हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पिन में क्या क्या डिटेल होती है और क्या क्या चीज़ में वेरीफाई करनी होती है अपने गूगल एडसेंस पिन में। देखिए, ये मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है और ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसकी डाल भी दी, मतलब वीडियो डाल दी है और उसमें मैंने बताया भी है। तो ये मेरा कल आया था, आज मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ये मतलब क्या क्या इसके अंदर होता है और क्या क्या इसके अंदर वेरीफाई करना होता है, इसके अंदर कितने ऑप्शन होते हैं जो वेरीफाई करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ से इसके जो चारों कॉर्नर होते हैं वो उखाड़ के ऐसे इस तरीके का ये अंदर से होता है। देखिए, इस तरीके से अंदर का ये होता है और इसमें जो 6 डिजिट होते हैं, ये वाले ये 6 डिजिट अपने, देखिए यहाँ पे लिखा है योर पिन, यानी ये 6 डिजिट यहाँ पे भरने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, जो स्टेप 1 है यहाँ पे, इसमें जो लिखा है अपने जो सबसे पहला जो अकाउंट होता है उसमें एप्लीकेशन मतलब होती है, तो उसमें क्या करना, उसमें लॉगिन करना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है लॉगिन करिए, दूसरे स्टेप में क्लिक द गियर, इसमें होता है आइकन एंड सेलेक्ट पेमेंट। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन में आपका जो एडसेंस में पेमेंट चला जाता है। जैसे पिछले महीने का जो पेमेंट था, इस महीने में जो पेमेंट मतलब रुकेगा तो इस महीने में इकट्ठा हो जाएगा, यानी जो पिछले महीने का आपने काम किया है, जो पिछले महीने वीडियो बनाई है, वो आपके एडसेंस अकाउंट में इस महीने में आएगा। यानी एक जो तारीख होती है 6-7 तारीख के बीच बीच में आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाएगा। जो मतलब स्टेप होता है, 3 स्टेप में जो इंफॉर्मेशन होती है, 3 स्टेप में वेरीफाई एड्रेस होता है, जिसमें आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड, नहीं पैन कार्ड के थ्रू, सिर्फ पैन कार्ड के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पैन कार्ड के थ्रू। और फिर चौथा स्टेप जो होता है, देखिए चौथा स्टेप गूगल की तरफ से जो आता है पिन आता है, एंटर योर पिन, यानी ये वाला पिन चौथे स्टेप में भरना होता है, जो कि मैं वीडियो इसमें आई बटन में दे दूंगा। तो इसमें चौथे स्टेप में ये पिन भरना होता है। उसके बाद में क्या करना होता है, फिर आपका बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप बैंक अकाउंट लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरीके का ये होता है कलर्स।